केंद्वा अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा केंद्वा शाखा के सदस्यों ने संजीत रवानी के नेतृत्व में शनिवार को केंद्वा में धनबाद जिला मासस युवा मोर्चा कार्यकारिणी अध्यक्ष सह लोकसभा प्रत्याशी जगदीश रवानी को माला पहना गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान श्री रवानी ने समाज के लोगों के साथ बैठक कर चुनाव के रणनीति पर चर्चा की। युवा मोर्चा कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश रवानी ने कहा कि मासस की ओर से हमें धनबाद लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। धनबाद में चंद्रवंशी समाज के लोगों की संख्या लगभग 2 लाख के करीब है, लेकिन हम लोगों में एकजुट नहीं है। हमें एकजुट होना होगा, तभी धनबाद का विकास संभव है। कहने को तो धनबाद देश के कोयले की राजधानी है। केंद्र को पूरे झारखंड के टैक्स का लगभग 40% धनबाद जिले से जाता है। धनबाद के लोग सिर्फ वोट देने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों को विकास चाहिए। युवा पीढ़ी समाज के लोगों के साथ बैठक कर उन्हें जोड़ने का कार्य करे। मौके पर धर्मेंद्र रवानी, गुड्डू रवानी, विकास रवानी, राजेश रवानी, विक्की रवानी, प्रकाश रवानी, संचित रवानी, विजय रवानी, कृष्णा रवानी, अभिषेक रवानी, सोनू रवानी, कपिल देव, रमेश रवानी सहित अन्य उपस्थित थे। संवाददाता वरुण वैद्य की रिपोर्ट। को प्रत्याशी बना दिया गया है मार्क्सवादी सम्मान समिति द्वारा। तो एक जो संगठन बनाने के लिए हर जगह, हर गली मोहल्ला, जहाँ भी हमको दिन भर में समय मिलता है, सब जगह हम जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लोगों के बीच में, गांव में, शहर में, मोहल्ला में, सब जगह जो है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग को जगा रहे हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा जो है कि अपनाएँ। समस्या तो घूम रहे हैं, समस्या तो पूरी तरह से धनबाद में समस्या समस्या ही भरा हुआ है। यहाँ के लोग खाली डस्ट खा रहे हैं। धनबाद वासी जो है, जो धनबाद में बसे हुए हैं, वो लोग खाली डस्ट खा रहे हैं और दूसरा आदमी मलाई खा रहे हैं। यहाँ का सारा सुविधा बाहर जा रहा है और यहाँ का जो है कि धन भी बाहर जा रहा है और हम लोग यहाँ जो बसे हुए लोग हैं, हम लोग को क्या मिल रहा है? जो हम लोग का देखिए झोपड़ी बना हुआ है, उसमें डस्ट, खाना में डस्ट घुस रहा है। तो इसका विधि व्यवस्था सही ढंग से होना चाहिए। कोयला निकालना बुरा नहीं है, कोयला ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, जैसे कि ब्लास्टिंग हो जा रहा है, बगल में घर है, ब्लास्टिंग हो रहा है, कोई सिस्टम नहीं, कोई नियम नहीं है। ये सब चीज़ में ध्यान, धनबाद में जो जो मुद्दा है, धनबाद में बहुत सारे मुद्दा है, ये गिनने तो मैं एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। जैसे यहाँ धनबाद में जो है 40% जो है कि पूरा झारखंड से 40% टैक्स जो है कि केंद्र सरकार को जाता है। तो जब पूरा झारखंड से जाता है, जिसमें एक नंबर में आता है धनबाद, इसलिए कि यहाँ कल कारखाना से भी भरपूर है और कोयला में ACCL BCCL दोनों है। तो इसमें तो पहला प्राथमिकता धनबाद को मिलना चाहिए, धनबाद की जनताओं को मिलना चाहिए। यहाँ का एयरपोर्ट बनना चाहिए, एम्स बनना चाहिए। यहाँ डस्ट खा रहे हैं हम लोग, तो एम्स यहाँ डॉक्टर का दवा भी है तो मिलना चाहिए हम लोगों ने फ्री में। तो यहाँ का सारा माल ले जाएगा दूसरा स्टेट और हम लोग जो है कि हम मरेंगे धुआं खा के, डस्ट खा के। यही तो देखिए, कोयला फील्ड में जितना कोल फील्ड जो क्षेत्र है, देखिए आग लगा हुआ है, वहाँ पर गरीब मजदूर जो है किसान ऐसे घर में झोपड़ी भी बना के सोता हुआ है। तो इसका कोई सिस्टम नहीं है। उसके बाद दवा का भी सुविधा नहीं है। PMC हॉस्पिटल है, उसमें जो है कि आपका बेंच नहीं है, डॉक्टर नहीं रहता है समय पर, दवा नहीं मिलता है। ये तो धनबाद का स्थिति है। आजकल अपने समाज के लोग बैठे थे, चर्चा कर रहे थे आपस में। देखिए, हर लोग चाहता है, राजनीति करते हैं तो जो है कि अपना समाज को तो पहले अपना रखना होगा, अपना घर को मजबूत करना होगा, जरूरी है। तो अपने लोग को तो साथ बैठना ही होगा। तो बैठे थे, एक पार्टी था हम लोग, जनताओं को और जो समाज को जो है कि एक हम लोग जो है कि हमारा समाज, हम लोग दूसरे को ही सेवा करते आए हैं, चारों युग में हम लोग सेवा करते आए हैं। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़।